महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर घमासान जारी। सांसद नवनीत राणा और पति रवि को लगा बड़ा झटका, 6 मई तक भेजा गया जेल। जी हां, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पाठ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान करने के बाद सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ गई है। शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने आज उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दे दिया है। इस विवाद में नवनीत राणा के पति रवि राणा को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं कोर्ट ने 6 मई तक जेल भेजने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था और इसके लिए समय भी निर्धारित किया था, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता खार स्थित नवनीत राणा के घर पर जमा हो गए, जिसके चलते वो घर से बाहर निकल नहीं पाई और इसके बाद शाम के वक्त मुंबई पुलिस ने उनको पति के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को धारा 153 यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस उन्हें करीब 5:30 बजे खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। हालांकि देर रात तक उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। वहीं बांद्रा कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और नवनीत राणा और रवि राणा को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। वहीं बीजेपी नेता कृष्णमैया ने जब यह खबर सुनी और दोनों से मिलने के लिए थाने पहुंचे, जहां से निकलने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन पर भी हमला किया, जिसमें उन्हें आंख के नीचे चोट भी आई है। और अब इस पूरे प्रकरण पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को घेरा है। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है और वह पुलिस और शिवसेना को भी अपनी ताकत दिखा सकते हैं और इसकी शिकायत गृह मंत्री से करने की बात भी फडणवीस द्वारा कही गई है, जिसके मद्देनजर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान चालीसा पाठ का विवाद अभी महाराष्ट्र में थमेगा नहीं और ये घमासान आगे भी जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है कि भाजपा इस मामले पर क्या कुछ निर्णय लेती है और जैसे ही कोई ब्रेकिंग अपडेट हम तक आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। उसे जानने के लिए आप मोबाइल News24 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।